आम आदमी पार्टी ने भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आपके प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा पूरे देश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव पूरे दम से लड़ने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि पूरे देश में आपातकाल की स्थिति बन गई है। चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार नाकामयाब रही है। हर जरूरत वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। देश के अन्नदाताओं के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार का रवैया ठीक नहीं है। पंकज सिंह ने शिवराज सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार रोजगार और सुरक्षा के मुद्दों पर विफल रही है। इसी के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इसकी तैयारी करने के लिए भी कहा। आम आदमी पार्टी लगातार प्रत्येक जोन में, चूंकि हमारे 7 जोन है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इंदौर जोन में इसके पहले इंदौर जोन का सम्मेलन, बुंदेलखंड जोन का सम्मेलन परसों सागर में आयोजित किया गया, आज भोपाल जोन का जो भोपाल संभाग है उसका कार्यकर्ता सम्मेलन है। यहाँ हमारे प्रमुख कार्यकर्ता साथी भोपाल संभाग के यहाँ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। जनता के सामने, जनता के मुद्दों के आधार पर कैसे चुनाव लड़े जाएं, उनके मुद्दे जो हैं चुनाव के केंद्र में कैसे आए, इसको लेकर आम आदमी पार्टी आगे आएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।